तो भाई आ चुके हैं आज दिल्ली के कमला नगर दिनेश भाई की चाट शॉप में। यहाँ आपको कई तरीके की चाट मिलेंगी, पापड़ी हो जिसे भल्ला पापड़ी भी कहा जाता है, और कई तरीके की पानी पूरी है, डोसा है, पाव भाजी है, गोलगप्पे हैं, आप जो बोले यहाँ पर हर चीज़ आपको A1 कंडीशन में, और बहुत साफ़ सुथरी दुकान है। यहाँ का पानी और यहाँ की जो मीठी चटनी जिसे सोड भी कहा जाता है, उसके साथ जब आप पानी पूरी ट्राई करेंगे, हमने तो वैसे भल्ला पापड़ी ऑर्डर करी सबसे पहले, तो ये उसकी मेकिंग है भैया, किस तरीके से दही में डुबो डुबो करके बना रहे थे मीठी चटनी, छोले, आलू और दाल की पकौड़ी, फिर उसके ऊपर से मसाले, नमक, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दही का जो उसके ऊपर सैलाब डाला, वो तो बनते हुए देखना ही था। लेकिन जो चाट है वो अपने आप में, मैंने इनका नाम काफ़ी सुना था लेकिन पहली बार ट्राई किया। तो ये हरी चटनी लीजिएगा, लेकिन थोड़ी कम लीजिएगा, ज़्यादा लेने से चाट का थोड़ा मज़ा ख़राब सा हो जाता है ज़्यादा लेने से, भैया ही कह रहे थे। तो ये तैयार हो चुकी है अनार के तड़के के साथ, और अब हम इसे ट्राई करेंगे। दिखने में तो उम्दा है, ट्राई करते हैं। तो ये पहला निवाला है जो मेरे मुंह में जाने वाला है, और जी हाँ बिल्कुल, जैसा नाम वैसा काम, उम्दा। और ये है पानी, और ये है मीठी चटनी, और गोलगप्पे में लगा करके उसके बाद गोलगप्पा ट्राई किया हमने, जो मुंह में जो है खट्टे मीठे स्वाद का वो बता नहीं सकता, और पानी भी मैं पी गया। उसके बाद आलू टिक्की बताना भूल गया था शुरुआत में, जी हाँ आलू टिक्की भी है, इसकी मेकिंग भी दिखाएंगे, करारे होते हैं काफ़ी, और इस तरीके से प्लेटों में निकाल करके, तोड़ करके निकाल करके, फिर इसको जिस तरीके से दही और अलग अलग चटनी के साथ, जी हाँ पहले तो हरी चटनी डाली, उसके बाद मीठी सौंठ, मीठी चटनी भी बोलते हैं, सौंठ भी कहते हैं, उसके बाद ये जो दही थी ना, ये दही ना ही बहुत पतली और ना ही बहुत गाढ़ी, इतनी सटीक के ये पापड़ी चाट को अपने अंदर समा लेती है, या यूँ कह लीजिए कि आलू टिक्की जो है इसके अंदर घुल जाती है, ऊपर से सेव और अनार। और उसके बाद जब ये पहला लुकमा मेरे मुंह में गया तो मज़ा आ गया, मतलब बहुत करारा, और दही तो फेवरेट हो चुकी है जब से दिल्ली घूम रहा हूँ मैं, मज़ा आया। ज़रूर गिव इट अ ट्राई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।